अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से जनाब? आप ठीक ठाक हैं? मैं हूँ राशिद हसन और मेरे नए ब्लॉग में आपको खुश आमदीद। अच्छा, सीन को जिस तरह से है कि अभी हम जा रहे हैं कराची की बहुत ही मशहूर नहारी, जावेद नहारी। अच्छा, जावेद नहारी पे कोई ब्लॉग नहीं बनाना हमें, बल्कि जावेद नहारी पे हमें कुछ चीज़ें लेनी हैं जो कि हमें भेजनी है बाहर। कहाँ भेजनी है अभी आपको रास्ते में? कुछ एटीएम से पैसे निकलवा रहे हैं। जी, जावेद नारी से पहले जो है हमने सोचा कि एक पाकिस्तान की बेहतरीन सौगात है गुलाब जामुन, ये भी जो है बाहर के लोग बड़े शौक से खाते हैं, तो ये मैं ले रहा हूँ। और अभी तफसील बताता हूँ कि ये मैं कहाँ भेज रहा हूँ अभी रास्ते में। अभी मैं आ गया हूँ कसे शीरी पे, यहाँ से मैं ले रहा हूँ गुलाब जामुन। अच्छा जी, नॉर्थ औरंगाबाद की काफ़ी मशहूर शॉप है कसे शीरी, मिठाई की शॉप है बहुत पुरानी, तो यहाँ पर मैं लेने के लिए आया हूँ अभी गुलाब जामुन, तो आपको भी दिखाता हूँ। सलाम वालेकुम। ये वो टिन आता है ना उसका, काले गुलाब जामुन का है क्या? करके देते हैं आता। अच्छा, ब्राउन वाले होते हैं? ब्राउन वाले नहीं, काले वाले चाहिए। काले हो जाएगा? 2 दिन का एक्सपायरी है। 2 दिन की एक्सपायरी है। और ये वाले? ये 6 महीने की होती है, अभी भी कुछ होगी इसकी, 3-4 महीने हो गए। अच्छा, जी मैंने जो है ना वो गुलाब जामुन नहीं लिया, उसकी वजह ये थी कि हमें लेने थे काले गुलाब जामुन। अच्छा, काले गुलाब जामुन इनके पास पैक नहीं मिल रहे थे, और पैक जो मिल रहे थे वो नॉर्मल थे, अलग से ये पैकिंग करके दे रहे थे, जिसकी जो वैलिडिटी थी, एक्सपायरी डेट थी, वो 2 दिन का। अच्छा, 2 दिन तो आपको पता है कि ऐसे ही निकल जाते हैं सफ़र में, तो फ़ायदा नहीं था, गुलाब जामुन जो है ना ख़राब हो जाते, तो फिर मैंने ये फैसला किया कि इसको ना लिया जाए। अच्छा, नॉर्मल गुलाब जामुन थे, उसकी वैरायटीज, उसकी जो एक्सपायरी थी वो भी थी, लेकिन चूँकि वो रेगुलर थे तो हमें तो वो लेना ही नहीं था, इसलिए नहीं लिया। तो अब हम जा रहे हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ, जावेद नहारी, तो वहाँ का भी हम आपको सीन निकालते हैं। कितने का है? 50। और ये ब्लू वाला? 80। सही लगाओ इसके, इसके सही लगा लो, तो बोल इसके 50 लगा लें, इसके भी 2 दे देंगे। सही है, 50। अच्छा, ये 2 दे देंगे, बिल्कुल साफ है, चलें 2 दे देंगे। चल, ये टॉवल के पीसेज जो है मैंने खरीद लिए हैं, और ये जो खातून जो टॉवल भेज रही थी ना, इनकी अच्छी बात ये लगी, कसेशरी के सामने बहुत सारे मांगने वाले खड़े थे, मुख्तलिफ तरीकों से जो है ना वो खातों ने, इनकी एक अच्छी बात ये लगी कि ये भाग नहीं रही थी, ये बाकायदा जो है तौलिया बेच रही थी, और इन्होंने कोई डिमांड नहीं की पैसे अलग से दे दिए, और पूरे तरीके से मैंने जो है इससे बातचीत करके ही दिया। तो ऐसे लोगों की जो है माशरे में मदद करनी चाहिए, जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके खा रहे हैं, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर खासकर कराची में ये देखा जा रहा है कि मांगने का रुझान बहुत ज़्यादा है, और बहुत बड़ी तादाद में जो है ना बैगर्स जो हैं इस शहर के अंदर मौजूद हैं। ये अच्छे लोग हैं, मेहनत करें, इनकी मदद करनी चाहिए। ये जनाब आ गया है जावेद नहारी, कराची की मशहूर व मारूफ नहारी हाउस, ये देख रहे हैं आप, जावेद नहारी। पहुंच गए हैं जावेद नहारी, और यहाँ पर पता करते हैं कि क्या रेट है। जावेद नहारी, कराची की मशहूर व मारूफ। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? यार एक नहारी का चाहिए पैकेट, एक कितने का डब्बा? 1000 रुपये का एक है, ठीक है, एक पैकेट का। इसमें कितनी किलो के हिसाब से होती है? किलो के 4 आदमी आराम से, 4 आदमी।
चले एक पैकेट दे दें ज़रा बाहर भिजवाना। अच्छा जी ये ले लिया है एक पैकेट हमने तारी का, और रेट जैसा कि आपने देख लिए होंगे 1000 रुपीज़ का है ये पैकेट, तो इसी हिसाब से फिर आपने फिर परचेज़ भी करना होगा, काफ़ी कॉस्टली है। अच्छा जी ये मैंने जो है वो 2 टिन पैक ले लिए हैं, क्योंकि हिसाब किताब थोड़ा सा ये लगाया था हमने कि ये 1 टिन पैक जो है वो 4 लोग खा सकते हैं, ठीक है। अच्छा पहले हम समझ रहे थे कि शायद एक्सपायरी बहुत कम होगी, लेकिन मुझे जावेद नहारी वाले ने बताया कि इसकी जो एक्सपायरी है ना वो है 6 महीने, तो जिसको भी अगर जैसे ज़्यादा भी चाहिए तो ज़्यादा टिन ले ले और 1 टिन खोले बाकी को सेफ रखे, क्योंकि 6 महीने तक इसकी एक्सपायरी डेट है, तो इसलिए मैंने 2 पैक। अच्छा जी ये जो सारा हमने सामान लिया है स्पेशली जावेद नहारी और कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी हैं, तो हमारे बहुत ही करीबी रिलेटिव हैं उनके लिए लिया है। अच्छा हमारे एक दोस्त हैं जो कि अभी लंदन से आए हुए थे, तो अब वो आज रात की उनकी फ़्लाइट है 1 बजे की, तो उन्होंने कहा था कि हम मुझे ये सामान दे दें तो मैं पहुँचा दूँगा। अच्छा जी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मौसम जो है ना कराची का इस वक्त तब्दील हो रहा है, और लगता है कि शदीद बारिश होगी दोबारा। जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे पिछले व्लॉग में भी मैंने बताया था कि कराची में जो है ना वो बारिशें चल रही हैं, और ज़ाहिर है ये जो बादल मैंने आपको दिखाए हैं ना ये इस बात की निशानी है कि करीब ही बारिश होने वाली है, तो बस हमारी कोशिश ये है कि हम जल्द से जल्द जो है वो पहुँच जाएँ बारिश शुरू होने से पहले, और ये सामान जो है तक हम पहुंचा दें ताकि वो फिर आगे डिलीवर करें। तो नाज़रीन बारिश शुरू हो गई है जैसा कि आप देख रहे हैं, हल्की हल्की ड्रिजलिंग शुरू हो गई है। चलिए आ गया है घर राफी भाई का जिनको हमें सामान देना है। अच्छा जी मिशन जो है वो कंप्लीट हो गया है हमारा, सारे गिफ्ट्स वगैरह उनके हवाले कर दिए हैं, वो ले जाकर लंदन में उनके हवाले कर देंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा राफे साहब जिनको हमने सामान दिया है उन्होंने हमें ये छोटा सा गिफ्ट दिया है सामने रखा हुआ है, ये इनके ज़ाहिर उन्होंने भी ये बात कही कि जिस बंदे से उसने ये लिया है ना तो वो भी इस तरह का नीडी पर्सन था, तो वो कह रहे हैं कि 150 रुपये में अच्छे खासे जो है ना ये फूल उन्होंने ख़रीद ली और फिर सबको उन्होंने बांटे हैं ख़वातीन को घर में भी और जो मेहमान आए हुए थे। मार्केट में पहुँचे तो बेगम ने फरमाइश की कि भाई चने की चाट खानी है हैदरी के, जो कि बहुत ही मशहूर चाट होती है, तो मैं अभी जा रहा हूँ चाट लेने के लिए। ये वो चाट है जनाब, ये डिस्पोजेबल को देते हैं आप लोग? क्या कर रहे हो बेटा पार्सल कर रहे हो? हैं अच्छा ये कर रहे हैं। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, ये डिस्पोजेबल में दिएगा मुझे, ये लो डिस्पोजेबल में। अच्छा जी ये ले लिया है डिस्पोजेबल में, और चूँकि पार्किंग में इनकी सर्विस नहीं है तो ये डिस्पोजेबल में लेके वहाँ पर हम खाएंगे। अच्छा नाज़रीन बारिश जो है दोबारा शुरू हो गई हल्की हल्की, और दिल चाह रहा था कि कुछ खाया जाए, तो बेगम ने फरमाइश की कि भाई ये चना चाट खाते हैं हम, तो चना चाट हाजिर है। ये हैदरी का बड़ा मशहूर चना चाट है, तो आप जब भी आएँ हैदी के साइड पे तो ये ज़रूर खाएं, और अमूमन मैंने देखा लोग खाते ही हैं, तो ये मैं ट्राई करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा
अच्छा जायका है, और चने और जो दही बड़े हैं बहुत अच्छे इन्होंने डाले हुए हैं, और मसाला भी बैलेंस है, बेहतरीन भाई। ये ज़बरदस्त किस्म के आम है इस वक्त। कौन सा चौसा है बॉस ये? सफ़ेद चौसा है। क्या किलो है? 250 रुपये किलो है क्या? अभी लेकर आए हो? फ्रेश माल लग रहा है मुझे। 250 रुपये ये आम ले लिए हमने, और जो चौसा आम है ना, बस ये आखिर है कराची में, इसके बाद जो है ना काला चौसा शुरू हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं होता। वाइट चौसा फिर भी बेहतर होता है। तो नाज़रीन, आज का जो मेरे टारगेट्स हैं वो पूरे हो गए हैं, और बस मैं अभी घर की तरफ जा रहा हूँ। उम्मीद है मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये जनाब हमारी वाइटी है, और ये आराम फरमा रही है सोफे पे। इनका नाम है वाइटी। क्या कर रही हो? हैं, सो रही हो? सो जाओ, शाबाश।